बुधवार की सुबह नागपुर जोन 5 के डीसीपी नीलोत्पाल इनके मार्गदर्शन में इनकी टीम ने कोराड़ी मार्ग पर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नाकाबंदी और पेट्रोलिंग कर एक मिट्टी से भरा ट्रक और 11 रेती से भरे ट्रक को पकड़कर कोराड़ी थाने में जमा कर दिए। इस कार्यवाही के बाद नागपुर जाने वाले सभी रेती की गाड़ियां रेत माफिया ने पकड़े जाने के डर से रोक दी। दोपहर तक कोराड़ी थाने में रेत सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टर पहुंचे। इस कार्यवाही पर उन्होंने रोष व्यक्त कर कोराड़ी के थानेदार जयंत गंगावने को निवेदन देकर गाड़ियां छोड़ने की मांग की। डीसीपी नीलोत्पाल भी कोराड़ी थाने पहुंचे। सभी गाड़ियों के पेपर रेत की रॉयल्टी और गाड़ी में रेत की मात्रा चेक की तो 2 गाड़ियों में प्रमाण से अधिक रेती पाई गई। 5 गाड़ियों में रॉयल्टी को लेकर संदेह पाया गया, जबकि बचे 5 गाड़ियां नियमानुसार सही पाई जाने से उन्हें छोड़ दिया गया। इस संदर्भ में डीसीपी नीलोत्पाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि संदेह पाई गई रॉयल्टी के संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क साधा गया है। उनके जवाबी कार्यवाही के बाद ही आगे की कार्यवाही कोराड़ी थाने से की जाएगी। रेती परिवहन में पकड़े गए ट्रक के 5 मालिकों ने सावनेर तहसील के टेम्बोडोह और करज घाट रेती घाट की रॉयल्टी पेश की, जिनमें नागपुर का उल्लेख था। जब इन रॉयल्टी की ऑनलाइन जांच की गई तो ऑनलाइन में नागपुर की जगह जलगांव और बुलढाणा पाया गया। एक रॉयल्टी का उपयोग कर उसे रॉयल्टी से दिन भर में 3 बार से अधिक नागपुर में रेती डालने का कार्य चल रहा है। यह बात डीसीपी नीलोत्पाल के समझ में आने से उन्होंने 5 गाड़ियां छोड़ने से इनकार कर आगे की कार्यवाही हेतु थाने में जमा करवा दी। ओवरलोड ट्रकों पर फैन चार्ज और आगे की अधिक कार्यवाही करने हेतु नागपुर आरटीओ से संपर्क साधा गया है। जेपीआरएस की जांच भी कराई जाने वाली है। बताया जा रहा है कि रेती परिवहन के दरमियान ट्रक का जीपीआरएस सिस्टम बंद किया जाता है। इस वजह से ट्रक मालिक एक रॉयल्टी का उपयोग दिन में कई बार करते हैं, जबकि जीपीएस सिस्टम चालू रखना अनिवार्य है। कुछ ट्रक मालिक का कहना था कि रेड कार्ड मालिक पर ही FIR दाखिल किया जाना चाहिए। वे लोग अगर रॉयल्टी का उपयोग दोबारा न करने दी तो ऐसी नौबत नहीं आ सकती। किसी व्यक्ति ने डीसीपी नीलोत्पाल को रेत की अवैध परिवहन बड़े पैमाने पर रोजाना होने की बात बताई थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी टीम को कार्यवाही हेतु भेज दिया था। रॉयल्टी में आए संदेह के चलते अब सावनेर तहसील के रेती घाटों पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। सावनेर महसूल विभाग की कार्यप्रणाली और इन परिसर के थानों की भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सावनेर तहसील के सभी रेती घाटों में पोकलेन मशीन से रेत निकली जा रही और रेती घाटों में ही ट्रकों में भरकर निकला जा रहा है, जबकि सरकारी आदेशानुसार रेती घाटों में पोकलेन मशीन और ट्रकों का उपयोग वर्जित है। रेती घाटों में रेत की निकासी घमेलों में भरकर हैंड लोडिंग कर ट्रैक्टरों में भरकर रेती घाट से बाहर निकलने का प्रावधान है। सावनेर से होकर गुजरने वाली लोगों की जीवनदायिनी कनान नदी में स्थित रेती घाटों से जमकर रेती उगाई हो रही है। हाल ही में तहसील क्षेत्र से 7 रेती घाटों को उच्चतम बोली लगाकर खरीदा गया, लेकिन अभी तक रेती निकासी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। लेकिन रोजाना दिन रात पोकलेन मशीन लगातार रेत की निकासी बड़े पैमाने पर शुरू है। नदी में पोकलेन मशीन उतार कर रेत का उत्खनन कर उसे नदी में ही बड़े ट्रकों में डालकर बाहर निकलना नियमों के खिलाफ है। इस नियम की धज्जियां उड़ाने का काम सावनेर तहसील के सभी रेती घाटों पर जमकर चला जा रहा है। अधिकतर रेत माफियों ने एक साथ बैठकर टीमें बनाकर आपस में रेती घाटों का बंटवारा कर अवैध रेती की उगाही शुरू कर दी है। करीब रोजाना 14 से भी अधिक पोकलेन मशीन से करीब 624 ट्रक रेती, करीब 2500 ब्रास रेती 8000 रुपए ट्रक के हिसाब से 50 लाख रुपए में बाहर बेची और स्टॉक की जा रही है। यह आंकड़ा इससे भी अधिक होने का अंदेशा है। फुल सेटिंग से यह अवैध कारोबार जोर शोर से चल रहा है। सोशल मीडिया में रोजाना हो रही रेत उत्खनन की तस्वीर जागरूक लोगों द्वारा प्रसारित की जा रही है, लेकिन सावनेर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग खुद को इस जानकारी से अभिकंड बता रही है। रेती घाटों की नीलामी को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ नियमावली बनाई है। इस नियमावली को राज्य सरकार द्वारा सुचारू रूप से अपनाना अनिवार्य है। इस अनुरूप जिलाधिकारी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन कागजी कूड़ेदानी में पड़े हुए है। सावनेर तहसील के नीलामी में खरीदी गई कुछ रेती घाटों से रेत निकासी के लिए रैंप बनाने का कार्य शुरू हुआ है। जिन रेत घाटों से रेत परिवहन के लिए दिक्कतें हो रही, ऐसे जगहों से रास्ता बनाने का कार्य चल रहा है। इनमें ऐसे भी रेत घाट जिसकी परमिशन भी अभी तक नहीं आई है, वहां पे रैंप बनाने का कार्य शुरू है।
इथे तर तुमची मी गोष्ट सांगून दिली, तुम्ही 12 ट्रकाची गोष्ट, 12 मधून 4 ट्रक सुटकारा झालेल्या जातात आमच्या बोलण्यात झालेले DSP साहेबांचं. गोष्ट अशी आहे की अगर रस्त्यावरती रॉयल्टी चेक होत आहे, काटा पर्ची चेक होत आहे, काट्यावर नेऊन काटा पर्ची बरोबर भरत आहे, तर माझा प्रश्न एकच आहे का तिथून गाडी पोलीस स्टेशनला आणून त्याचे 10-10 घंटे, 1-1 दिवस, 3-3, 4-4 तास, 9-9 तास कशाला खराब करायचे आणि खराब करून त्यांना सोडायचं? आणखी 1-1 दिवसाचे जे नुकसान होऊन राहिलं ट्रकाचा, ट्रक मालकांच्या, याच्या नुकसानची भरपाई कोण करून देणार? तुम्ही करून देणार? प्रशासन करून देणार? नेता करून देणार की DSP साहेब करून देणार? DSP साहेब करून देणार? CP साहेब करून देणार की PI साहेब करून देणार? याचं उत्तर मला पाहिजे. आणखी आम्ही अवैध कारोबार नाही करत आहे, आम्ही रॉयल्टीसोबत कारोबार करत आहे. तुम्हाला वाटते तर तुम्ही प्रूफ करून दाखवा. अगर आम्ही प्रूफ करू आलो उतरलो ना, त्यामुळे पूर्ण मार्केट ठप्प बसून जाणार, कन्स्ट्रक्शन कंपन्या ठप्प बसून जाणार, बिल्डर ठप्प बसून जाणार, ना मोठा मोठा ट्रान्सपोर्टर ट्रेडर्स, ना मोठा मोठा घाट मालक ठप्प बसून. माननीय CP सर आणि DCP सर यांना अशी माहिती मिळालेली आहे की सदरचे रेती ट्रक हे एका रॉयल्टीवर 2-2, 3-3 ट्रीप मारतात, त्यामुळे त्यांनी विशेष पथक नेमणूक केलेलं होतं Zone 5 सरांनी, त्यामुळे ते विशेष पथक येऊन त्यांनी ही कारवाई सकाळी सहा ते दहाच्या दरम्यान केलेली आहे. त्यांना ते 12-11 ट्रक मिळाले, एक पोलिसने आणला, पोलीस स्टेशनने, म्हणून असे 12 ट्रक आणलेले आहेत. सगळ्यांची कागदपत्र तपासणी चालू आहे, ज्यांची रिअल असेल त्यांना सोडलं जाईल आणि ज्याच्यात काही फॉल्ट असेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. BCN News के लिए कोराडी से अरुण महाजन की रिपोर्ट.